पूर्णिमा का पावन त्योहार आज कैथल में बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। कैथल के साईं मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह सवेरे पहुंचने शुरू हो गए थे। श्रद्धालुओं ने साईं बाबा की प्रतिमा को दूध दही शहद से स्नान करवाया और साईं बाबा का महाभिषेक करवा पूजा अर्चना की। साईं बाबा को अपना गुरु मानते हुए श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए नारियल फल मिठाइयां आदि भेंट किए। साईं मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित विकास लेखवार ने कहा कि हिंदू ग्रंथों में भी ये उल्लेख है कि इंसान में जीवन में गुरु के बिना गति नहीं है, इसीलिए हर इंसान को अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए गुरु अवश्य धारण करना चाहिए। मंदिर में पूजा अर्चना करने आए पुरुष और महिला श्रद्धालुओं ने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी खुशी श्रद्धा और उत्साह से अपने गुरु की पूजा अर्चना करने आए हैं। उन्होंने कहा कि साल में एक दिन गुरु की पूजा के लिए आता है, इस गुरु पूर्णिमा के दिन वे अपने गुरु की पूजा अर्चना कर अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, गुरु से ऊपर कोई नहीं है। बाबा हमारे गुरु भी हैं, माता भी है, पिता भी है। हमारे दिन की शुरुआत इन्हीं से होती है और रात भी इन्हीं से होती है। इनके बिना जीवन व्यर्थ है। जो साईं के चरणों में लगता है वो जीवन में सब कुछ पाता है। साईं के बिना जिंदगी अधूरी है। साईं का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आज गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने हमें ये मौका दिया सेवा का, और इनके हम दर्शन करने आए हैं। और गुरु पूर्णिमा की बहुत महत्ता है। हमारे गुरु जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, उनको अपना दर्जा देते हैं, हम सबसे पहले अपने साईं जी को गुरु का दर्जा देते हैं जिन्होंने हमें तारा है। मैं तो साईं का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के पहले तो सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। गुरु के बिना जिंदगी में सब कुछ अधूरा है। गुरु है जो हमें सही राह दिखाते हैं, सही पथ पर चलाते हैं। गुरु के बिना हम किसी भी चीज को पूरा नहीं कर सकते, ना हमें संपूर्ण कोई चीज मिलती है। बिना गुरु के जो पथ आसान लगता है वो कभी पूरा नहीं होता, और गुरु का साथ हो तो जितना कठिन से कठिन रास्ता हो वो भी आप बड़े आराम से पूरा कर लेंगे। चुनर मिलतम मेनाथ समय श्री गुरवे नमः। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि बड़ा पावन दिन होता है गुरु पूर्णिमा का। आज के दिन ही लगभग 3000 साल पहले महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ, और महर्षि वेदव्यास जी जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, और उन्होंने वेदों को चार भागों में विभाजन करके 18 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, और इस गुरु पूर्णिमा को आज के दिन ही व्यास पूर्णिमा भी माना जाता है, क्योंकि व्यास जी का जन्म हुआ। और विशेषकर क्या होता है कि आज के दिन लोग अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने गुरुओं की, और अपने अपने जो जिसको भी हम गुरु के रूप में मानते हैं, चाहे वो भगवान शंकर हैं, हनुमान जी हैं, या जो सदगुरु देहधारी हैं। गौरतलब है कि आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।